नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस और मैं हूँ जूही राजपूत। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, तो इसी को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी। वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे, उनका एक्सप्रेशन जो है, मतलब जो आप फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं एक्सप्रेशन, तो वो हम डिटरमाइन करेंगे। आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हमारे रिवीजन टॉपिक के साथ में। तो वर्क डन यानी क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन है आपका फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इनटू S। इसको याद रखिए आप, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है आपके। तो बढ़ते हैं आगे। एनर्जी क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। तो हर जो लिविंग चीज है, या फिर कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना ही वो मूवमेंट करेगा या उतना ही वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाबी वाला खिलौना खेलते हैं, तो जितनी चाबी आप भरेंगे उतना ही वो मूवमेंट करेगा। उसके बाद में उसको जो आपने स्प्रिंग की वजह से जो एनर्जी दी है, जब वो खत्म हो जाएगी तो अपने आप ही वो खिलौना जो है वो मूव करना बंद कर देगा, या फिर जो भी है वो बाजा बजाने वाला बंदर जैसे कुछ खिलौना होता है वो बंद कर देगा। फिर चाबी वाली गाड़ी आती है, तो चाबी वाली गाड़ी भी तब तक ही चलेगी जब तक उसके अंदर चाबी वाली एनर्जी है। या फिर आपके कोई भी रिमोट कंट्रोल कार ले लो, आजकल आप रिमोट कंट्रोल कार से खेलते हैं सब लोग, तो रिमोट कंट्रोल कार भी जब तक उसके अंदर वो बैटरी है, मतलब एक एनर्जी है, जब तक वो एनर्जी है उसके अंदर तभी तक वो जो है वो कार चलेगी। अगर उसकी एनर्जी खत्म हो गई एट दैट टाइम वो चलना बंद कर देगी। तो उसी तरह से प्लांट्स का भी होता है, तो प्लांट्स के अंदर जितनी एनर्जी बनेगी या फिर उनको अगर एनर्जी मिलेगी तो ही वो बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ जो है वो होगी। सपोज मैंने क्या किया, एक छोटा सा प्लांट लिया, और छोटा सा प्लांट लेने के बाद में अगर मैंने उसको एक अंधेरे कमरे में रख दिया जहां पर सनलाइट नहीं आता है, तो क्या होगा, उसको मैं डेली अगर थोड़ा सा पानी दे रही हूँ या फिर जो फर्टिलाइजर है वो भी मैंने दिया प्लांट को, फिर भी वो प्लांट जो है वो कुछ दिन बाद मुरझा जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज उसका फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के लिए, मतलब वो जो खाना बनाने की उसकी प्रोसीजर है, फूड बनाने की जो प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए उसको सनलाइट ही मुहैया नहीं हो रही, मतलब वो मिल ही नहीं रही है उसको, तो उस वजह से वो प्लांट अपने आप ही मुरझा जाएगा या फिर मर जाएगा कुछ दिन बाद। तो ये हो गया प्लांट का। अभी आपके एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपने दो दिन तक खाना नहीं खाया और अगर आपको कहा गया कि 5 किलोमीटर का दौड़ लगा कर आइए, लगा पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना आप एनर्जी, मतलब हमको फूड से मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी हमारे फूड से मिल रही है, तो अगर हम फूड, मतलब इनटेक ऑफ एनर्जी लेना ही बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी की मूवमेंट करना भी मुश्किल हो जाएगा, मतलब हाथ उठाना भी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। बिना एनर्जी के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। जैसे आपका व्हीकल है, स्कूटी है, बाइक है, इसके या फिर कार है आपका, इसके अंदर ईंधन जब तक नहीं डलता है, फ्यूल आप डालते हो, पेट्रोल है, डीजल है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी का फॉर्म है वो। जब तक आप उसको डालते नहीं हो तब तक उसका मोशन नहीं होगा। अगर उसके अंदर की एनर्जी, मतलब वो फ्यूल अगर खत्म हो गया तो कार चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो इसी तरह से हर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो भी है, उनके लिए एनर्जी जो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड सी चीज हो गई है। अगर उसको मूव करना है, किसी भी चीज को अगर मूव करना है, तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ा, फिर देखते हैं द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। ऑब्वियसली वर्क, ये देखो यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क, तो वर्क परफॉर्म करने के लिए लगने वाली कैपेसिटी, मतलब आपकी एनर्जी। तो यूनिट जो है आपका वर्क और एनर्जी का, दोनों का सेम है। एसआई सिस्टम में आपके वर्क का यूनिट क्या था? जूल्स था। तो वही जूल्स यहाँ पर एज यूनिट हम यूज करेंगे फॉर एनर्जी। फिर उसके बाद में सीजीएस सिस्टम में अर्ग था, अर्ग का हमने कन्वर्जन देखा था, कितने जूल यानी कितना अर्ग होता है, एक जूल यानी कितने अर्ग होते हैं, याद कीजिए, ठीक है, यहां पर लिख के बता देती हूं मैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग।
ये कन्वर्जन आप याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार कंफ्यूज करने के लिए अर्ब में वैल्यू दी जाती है, तो आपको वो कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे आप मीटर का सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर का मीटर में करते हो, उस तरह से ये कन्वर्जन करते हैं आपका। एनर्जी एग्जिस्ट इन द वेरियस फॉर्म्स लाइक मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर, सोलर। अभी इसका एक एक एग्जाम्पल लेंगे, पहले मैकेनिकल का लेते हैं। अभी मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आपका बाइसिकल है या फिर आपका बाइक है, तो बाइक क्या होता है कि वो पेट्रोल का केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब जिसके अंदर पिस्टन, पुली, गियर्स ऐसे मैकेनिज्म लगे होते हैं या फिर चेन सिस्टम, बेल्ट सिस्टम, तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है दैट आर ऑल मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म। तो ये सारे अरेंजमेंट जहाँ पर होते हैं दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, साइकिल के अंदर हमारी मस्कुलर पावर, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है मस्कुलर पावर, उसका यूज करके मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, पैडल हम चलाते हैं तो वो कन्वर्जन हो गया मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी हम साइकिल को देते हैं, साइकिल का कन्वर्जन किस में हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि उसका मोशन हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद में अगला वाला है हीट, हीट एनर्जी। आपकी मोमबत्ती जलती है, हीट एनर्जी है। सन से आपको जो मिलता है, जो गर्मी हम महसूस करते हैं सन के सनलाइट में, सन रेस के अंदर, तो वो हो गया आपका हीट। फिर उसके बाद में खाना बनता है, तो विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी हम खाना बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर में भी हीट एनर्जी यूटिलाइज होती है, लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो सन से हमको मिलता क्या क्या है, सन ऐसा इकलौता सोर्स है जिससे वैरायटी ऑफ एनर्जी हमको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हीट मिलता है, लाइट मिलती है, और क्या क्या मिलता है, हीट और लाइट एनर्जी हमको मेनली सन से मिलती है। तो लाइट जो है हमारा सेकेंडरी सोर्स है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह जो हम घर में यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ नाइट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी किस किस में होगी, तो ये सारे आपकी जो स्पीकर है या फिर मोबाइल फोन्स है, तो ये सारे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस है, ये जो चलते हैं दैट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। फिर साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी का साउंड भी एक एनर्जी का प्रतीक है। सोचिए अगर कोई वॉल्यूम आप बहुत ज्यादा फुल कर देते हैं, सपोज फुल वॉल्यूम पे आप गाने चला रहे हैं, आपके घर में जो भी सिस्टम है म्यूजिक सिस्टम, उसके ऊपर अगर आप गाने चला रहे हैं, तो क्या होता है कुछ समय बाद जो उसके आसपास पड़े हुए बर्तन है या फिर वो जो टेबल है जहां पर म्यूजिक सिस्टम रखा है, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, तो ये वाइब्रेट होने लग जाएगा। तो वाय, तो ये क्यों हुआ, तो साउंड के अंदर भी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसी की वजह से जो है वो वाइब्रेशन मोशन जो है वो होगा आपके टेबल का हो या बर्तनों का हो। आपने देखा होगा कि वो फैट लेडी जो गाना गाते हैं, वो ओपरा सिंगिंग उसको कहते हैं, आओ करके कुछ गाते हो, मुझे नहीं आता है, तो वो कांच का ग्लास लेके खड़े होते हैं, तो उनके साउंड इंटेंसिटी से वो ग्लास जो है वो ब्रेक कर जाता है। तो ये प्रूफ करता है, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्रूफ करते हैं कि साउंड में भी लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वो होती है। अगला है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जैसे मैंने बताया फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर जो खाना हम पचाते हैं दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी। उसके बाद में और क्या कह सकते हैं केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट्स के अंदर दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी। फिर उसके बाद में न्यूक्लियर एंड सोलर। न्यूक्लियर मतलब अणु ऊर्जा, ये तो आप जानते ही होंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में, कितने सारे हमारे वेपन्स वगैरह जो है वो बनते रहते हैं, वेपन्स वगैरह बनते हैं ना, अणु अस्त्र, अणु चाशनी हो गई, फिर ऐसे कुछ मराठी में आप बात भी पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, कई बार होता है अणु चाशनी के लिए अणु अस्त्र बनवले, अमुक अमुक टन वजनाचे अणु अस्त्र बनवले भारताने, तो ऐसे जो कुछ होते हैं तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का वैरायटी ऑफ यूजेस है। आजकल सोलर एनर्जी पे देखिए आपका सोलर वाटर हीटर है, उसके बाद में सोलर कुकर होता है, फिर सोलर बैटरी होती है, सोलर लैंप है, अनगिनत एप्लीकेशंस है हमारे सोलर एनर्जी के। अभी सन जो है, सन का खुद का टेम्परेचर जो होता है, मतलब उसका सरफेस टेम्परेचर, अभी हमारा सरफेस टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री, लेकिन ये जो आपका सोलर सन जो होता है उसका सरफेस टेम्परेचर कितना होता होगा,
उसका टेम्परेचर लगभग 3,500 से 5,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सोचिए कितना हायर टेम्परेचर वो होता होगा। तो इतने हायर टेम्परेचर उसका होने के बाद हमको उससे हीट एनर्जी भी मिल रही है और साथ ही साथ लाइट एनर्जी भी वहां से हमको मिल जाती है। तो सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, सोलर लैंप है, सोलर कुकर है, तो आजकल इसको बहुत डिमांड जो है वो है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये जो है ये बनती है कोल वगैरह से, तो इसका जो है इसको लिमिटेशंस है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसकी लिमिटेशंस है, हमको महंगा भी बहुत होता है। तो सोलर डिवाइसेस जो भी है हमारे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको सोलर एनर्जी अवेलेबल हो जाता है, इसलिए उसका मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह जो भी है वो बहुत ही किफायती होता है। देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव्स। तो क्या होता है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को टक्कर मारता है तो वो ऑब्जेक्ट भी मूव होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप कैरम खेलते हैं तो एक स्ट्राइकर जो होता है, मेन स्ट्राइकर से आप गोटी को मारते हैं, तो गोटी को लगने के बाद, मतलब पहले गोटी मूव होती है क्या? बिना स्ट्राइकर लगे मूव नहीं होती है, वो अपनी पोजीशन पे बनी रहती है। जब आप उसको स्ट्राइकर से हिट करते हैं, एट दैट टाइम इट स्टार्ट्स मूविंग। फिर उसके बाद में सपोज आपने कोई दौड़ रहा है, सपोज आप दौड़ रहे हैं और सडनली सामने से आकर आपको कोई धक्का मारता है, तो आप क्या करते हैं, थोड़े बैकवर्ड जो है वो मूव हो जाते हैं। होता है ना कई बार किसी ने धक्का मारा, आप बैकवर्ड मूव हो जाते हैं। उसके बाद में सपोज दो कार से एक दूसरे के साथ में टकराती है तो क्या होता है, या फिर स्टेशनरी कार को मूविंग कार ने धक्का मार दिया तो क्या होता है, वो स्टेशनरी कार जो है वो मूव होने लगती है। उसके बाद में एक बाइक खड़ी है, सपोज आप बाइक को धक्का मारकर लेके जा रहे हैं तो क्या होता है, आपके पुश करने की वजह से वो स्टेशनरी बाइक जो है वो मोशन में आ जाती है, चलने लगती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो स्टेशनरी से मूविंग जो है वो आपका ऑब्जेक्ट बनता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में? द मूविंग ऑब्जेक्ट हैज सम एनर्जी, द पार्ट ऑफ ऑल और ऑल ऑफ विच इट शेयर्स विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देयर बाय सेटिंग इट इन मोशन। तो क्या होता है एक्चुअल में, जो मूविंग पार्ट होता है, जो स्ट्राइकिंग पार्ट होता है, जो टकराने वाला पार्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है, अपने पास की जो एनर्जी है, खुद के पास की जो एनर्जी है मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो शेयर करेगा या फिर पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो दे देगा। किसको दे देगा? वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको। सपोज आपने बैट और बॉल का जो कॉम्बिनेशन है, सपोज हाई स्पीड बॉल को आप क्या करते हैं, बैट से मारते हैं, तो बैट का जो मोशन है वो आप बॉल को देते हैं, ठीक है। बैट का जो मोशन है आप इस तरह से उसको घुमाते हैं, ठीक है, मतलब बैट का मोशन और आपका एनर्जी मिलाकर आप बॉल को जो है वो हिट करते हैं। तो बॉल का मोशन किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ बैट का मोमेंट और आपका फोर्स जो आपने लगाया उस वजह से। तो इस तरह से मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी, कुछ एनर्जी या फिर पूरी की पूरी भी हो सकती है, तो शेयर कर देता है किसके साथ में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ में। उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगता है, वो मोशन में आ जाता है। मोशन यानी क्या? सिंपली चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में आपकी पोजिशन चेंज हो रही है, दैट इज सिंपली योर मोशन। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास में जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, मतलब चलती हुई साइकिल है, चलती हुई गाड़ी है, चलती हुई रेल है, खड़ी रेल नहीं, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है रेलवे, इट इज नॉट काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। जो मूविंग चीजें है उसके अंदर ही काइनेटिक एनर्जी थी। इसके अंदर आपके घड़ी के कांटे भी आएंगे, ठीक है, घड़ी जो आपके कांटे घुमाती है तो वो भी आया काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो एक जैसे मूव कर रहे हैं, बिना रुके वो मूव कर रहे हैं। उसके बाद में बाइसिकल हो गई, कार हो गई, एग्जांपल मैंने आपको दिए, या फिर आप अगर खुद चलते जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी बॉडी में भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है। तो अनगिनत एग्जाम्पल्स है इसके, एरोप्लेन का उड़ना भी इज काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक बच्ची जो है वो स्लाइड पे से फिसल रही है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो स्लाइड के ऊपर, वो जो जिसको आप फिसल पट्टी कहते हैं या फिर घसरगुंडी कहते हैं, तो उसके ऊपर से जब वो फिसलेगी, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं गिनते गिनते थक जाऊंगी और आप लिखते लिखते थक जाएंगे।
इतने सारे एग्जांपल्स उसके हम दे सकते हैं. द वर्क डन बाय अ फोर्स टू डिस्प्लेस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट. तो सामने वाला ऑब्जेक्ट कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, ले रहा है, तो कितना मतलब कितना वर्क डन उसके ऊपर हुआ जो फोर्स लगाया गया मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इससे हम इजीली जो है वो वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वर्क डन और एनर्जी जो है वो सिमिलर सेम सेम होते हैं बिल्कुल, मतलब जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा. तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर नोटिफाई कर सकते हैं, सिंपली हम नोटिफाई क्या कर सकते हैं कि जितना एनर्जी होगा एनर्जी उतना ही वर्क डन होगा. ठीक है, इससे सहमत है हम? तो यही बात हम आगे यूज करने वाले हैं टू डिटरमाइन वेरियस फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी आगे देखेंगे हम कि क्या है एक्चुअल में. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम है तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर रख दिया हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब इसका एक्सप्रेशन जो है दोस्तों, मतलब फॉर्मूला है, तो वह कैसे डिटरमाइन करना है देखते हैं. यहां पर हम फॉर्मूला डिटरमाइन करने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी हम डिटरमाइन करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट इट. अभी न्यूटन्स लॉ, अभी हमने अभी अभी क्या देखा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमको पहले से ही पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला. फिर अगर एनर्जी इज इक्वल टू, अभी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अगर वर्क डन है तो हमारा के ई भी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अभी फोर्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? फोर्स का वैल्यू याद कीजिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स लॉ सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होगा, फोर्स का वैल्यू याद कीजिए, फोर्स क्या है, एफ इंटू ए, मतलब मा फोर्स इंटू एक्सेलरेशन. अभी इसको मैं इक्वेशन वन दे देती हूँ, ठीक है, सॉरी इसको इक्वेशन टू लेते हैं, इसको लेते हैं इक्वेशन वन. काइनेटिक एनर्जी वाला ये जो है इसको लिया मैंने इक्वेशन वन. फिर फोर्स की वैल्यू हमको मिल गई, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. फिर साथ ही साथ एक एक्सप्रेशन हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ऐसा भी है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर. याद है कि भूल गए सब लोग, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में यूटी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला अगर ut प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर u जो है मतलब हम जब कोई चीज मोशन स्टार्ट करती है तो पहले स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी होती है मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो होगी. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी. तो ये जीरो यहाँ पर पुट करेंगे हम, बड़ा वाला जीरो, तो ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, यहां तक क्लियर? तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू वन हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये वैल्यू हमको मिल गया इसका, तो इसको कहेंगे इक्वेशन थ्री. तो अभी इक्वेशन टू और थ्री की जो वैल्यू हमको मिली है वही हम प्लेस करेंगे इक्वेशन वन में, प्लेस इन इक्वेशन वन. ओके, तो ये वैल्यू सारी मैं इसके अंदर प्लेस कर देती हूं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये देखिए फोर्स का क्या है, मा, इसको जल्दी से याद कीजिए, फोर्स इज इक्वल टू मा, तो जल्दी याद हो जाएगा, इनटू वन हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, तो मास इनटू एक्सीलरेशन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू वन हाफ. तो ये सारा कॉम्बिनेशन ठीक से अरेंज कर लेंगे, वन हाफ, अभी ये क्या हो गया, एम ए टी स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर ले लेंगे, ए का भी स्क्वायर है टी का भी स्क्वायर है, इसलिए ब्रैकेट स्क्वायर मैंने ले लिया. फिर इसके बाद में इसको लेंगे इक्वेशन फोर,
अभी इक्वेशन 4 अगर हमको मिल गया है, ठीक है, ये वैल्यू में यहां पर ऐसे कर देते हैं। एक फॉर्मूला का एक्सप्रेशन देखो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, u प्लस at, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो u क्या है हमारा, जीरो है, मतलब जीरो प्लस at विच इज इक्वल टू at, मतलब v इज इक्वल टू at, ठीक है। तो ये v का जो वैल्यू है वो प्लेस करेंगे यहां पर, अगर v स्क्वायर हमने कर दिया तो क्या होगा, a t ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, v का स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये v स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया। तो ये टर्म जो है v स्क्वायर का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा इक्वेशन 4। वापस इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 4 देखिए, के इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का जो है वो एक्सप्रेशन मिल जाता है, सिंपल है बहुत ही, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए तो ये डिराइव करना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हमने देखा कि कैसे हम उसका एक्सप्रेशन जो है वो डिटरमाइन कर सकते विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये अलग अलग लॉस के हिसाब से हमने पोटेंशियल का, अभी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाला, अभी हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या, तो डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्रेस कर देती हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और द पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हर चीज में अपने स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिए है मैंने लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे ओवरहेड टैंक जो होता है, जो घर के ऊपर आपकी टंकी होती है पानी की, तो एक स्पेसिफिक ऊंचाई के ऊपर आपका जो पानी है वो भर के रखा गया है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में डैम के अंदर जो पानी स्टोर होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए यूज होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वॉटर। तो डैम के पानी में वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती। उसके बाद में आपने छोटे हो तो धनुष्बाण खेला होगा, तो धनुष्बाण का स्ट्रिंग जब आप खींचते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आप रोक लेते हैं अपना हाथ, उसके बाद में वो एरो जो है वो आप रिलीज करते हैं, तो स्पेसिफिक पोजीशन जो लेता है तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद में आप चाबी देते हैं खिलौनों के अंदर, वो चाबी आप जब छोड़ते हैं उससे थोड़ी देर पहले उसके अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल्स है पोटेंशियल एनर्जी के। तो स्पेसिफिक पोजीशन या फिर उसकी जो स्पेसिफिक स्टेट है तो वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक और एग्जांपल है स्प्रिंग का जो है, देखा होगा आपने, अगर आप स्प्रिंग को दबा के रखते हैं या फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करके रखते हैं, जब उसको रिलीज करते हैं तो क्या होता है, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, उछलने लग जाती है स्प्रिंग। तो वो जो है कंप्रेस स्प्रिंग जो होती है, दबी हुई स्प्रिंग, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। To carry an object of mass m to height h above the earth's surface, the force is equal to mg has to be used against the direction of gravitational force. The amount of work done can be calculated as follow. अभी यहाँ पर छोटा सा expression है kinetic energy का, हमने derive किया था with the help of motion, लेकिन यहाँ पर ये simple सा है। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अभी फोर्स कौन सा लगेगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो मास तो एम हमको पता है, एक्सेलरेशन कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ये वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तो ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी। तो ये हो गया आपका फोर्स का वैल्यू। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइट हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, h को एक्सप्रेस किया है एज डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली वैल्यू पुट कर दी तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम जी एच। तो उसके अंदर g का वैल्यू एक कॉन्स्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको पता है,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना? 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट विल बी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एमजीएच। क्यों एमजीएच? क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा, इसलिए दोनों बराबरी पे है। तो दोनों बराबरी पे होने के कारण मैंने सिंपली क्या किया कि जस्ट ये वैल्यू जो है वो वहां पर पुट कर दिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में हम क्या देखेंगे? तो सिंपली पहले क्या करते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा जो है वो एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो होता है। तो पहला है हमारा अ स्ट्रेच पीस ऑफ रबर। रबर को आप खींच के रखते हैं, खींचा हुआ है आपने, अभी छोड़ा नहीं है उसको, रिलीज नहीं किया है, सिर्फ अगर आप उसको खींच के रखते हैं तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी स्टोर है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। फास्ट मूविंग कार, तो फास्ट मूविंग कार जो भी मूविंग चीज है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अ विसल ऑफ अ कुकर ड्यू टू स्टीम, तो विसल किसकी वजह से हो रही है? स्टीम की वजह से होने वाली विसल जो है वो क्या है, इंडिकेशन किसका है? दैट इज इंडिकेशन ऑफ साउंड एनर्जी, क्योंकि विसल हम सुन सकते हैं, तो दैट इज साउंड एनर्जी। प्रेशर एनर्जी का किस पे कन्वर्जन हो गया? जो स्टीम का प्रेशर था उसका कन्वर्जन किस में हुआ? साउंड एनर्जी में हुआ। द क्रैकर एक्सप्लोडेड इन दिवाली, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी के फॉर्म हो सकते हैं? जब फटता है पटाखा तो क्या होता है, पटाखा जब फटता है तो हमें लाइट दिखता है, ठीक है, लाइट एनर्जी भी है उसके अंदर, हीट एनर्जी भी है कि नहीं? हीट एनर्जी भी है और साउंड भी आता है। पटाखा जब फटता है तो कुछ ना कुछ आवाज होती है, तो दैट इज थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर इन क्रैकर। तो जिसके हाथ में फटा है उसको जरूर पता होगा कि कितनी हीट एनर्जी होती है उसके अंदर। अ फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो फैन जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला, तो फैन को देखिए आप, इलेक्ट्रिसिटी को मत देखिए, फैन को देखिए। तो फैन में कौन सा एनर्जी हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गया। जब वो घूम रहा है एट द टाइम उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। द ड्रॉइंग आउट अ पीस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज यूजिंग मैग्नेट, तो मैग्नेट आपने देखा होगा कि जो कचरा होता है डंप यार्ड्स होते हैं, तो डंप यार्ड्स में मैग्नेटिक क्रेन्स जो है वो घुमाते हैं। तो मैग्नेटिक क्रेन्स घुमाने से क्या होता है कि गार्बेज के अंदर जो दबा हुआ लोहे के टुकड़े होते हैं या फिर अलग अलग जो चीजें होती है लोहे की, उसको रिसाइकल करने के लिए कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो गार्बेज है उसको कॉम्प्रेस करके यूज किया जाता है रिकम्बशन के लिए, जलाने के लिए या फिर कुछ एनर्जी क्रिएट करने के लिए। तो वो लोहा जो है वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक एनर्जी हो गया। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास विंडो पैन यू बिकॉज ऑफ लाउड नॉइज, तो लाउड नॉइज की वजह से आपका विंडो पैन जो है वो टूट जाता है, ग्लास का जो एक शीट होता है जैसे, तो वो टूट जाता है। क्यों टूटता है? बिकॉज ऑफ दैट साउंड एनर्जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, तो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। अभी फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो फैन को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, तो ये भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। फिर इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन किस में हो गया? फैन की काइनेटिक एनर्जी में। फैन क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एट द टाइम वी कैन से दैट क्या काइनेटिक एनर्जी में इसका कन्वर्जन हो गया। फिर अ स्ट्रेच सॉरी फास्ट मूविंग कार, फास्ट मूविंग कार में क्या है? पेट्रोल डाला है। पेट्रोल का कन्वर्जन किसमें हुआ? केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हुआ? मैकेनिकल में हुआ। वो जो पिस्टन पुली वगैरह है वो सारा मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन हुआ। मींस उसका कन्वर्जन डायरेक्टली टायर्स को किया गया, तो टायर्स क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इन, तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? टायर्स ने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे अनगिनत से एग्जाम्पल है। तो ये हम देखने वाले हैं। अगला हमारा पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर, थस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो हमारे यूनिवर्स में जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है
वो रिमेन कांस्टेंट, मतलब सारी की सारी एनर्जी का अगर आप सम करते हैं पूरी यूनिवर्स का, तो वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। तो क्या होता है एक्चुअल में, एनर्जी जो है वो हम बना भी नहीं सकते और मिटा भी नहीं सकते, बस उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन जो है वो हम करते हैं। तो यही है कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब बना भी नहीं पाओगे मिटा भी नहीं पाओगे, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है। जैसे मैंने कार का एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रिक से चलने वाला फैन का एग्जाम्पल दिया। अभी इलेक्ट्रिक बल्ब का ही ले लो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिक बल्ब किस में करेगा, वो करेगा लाइट एनर्जी में, लाइट दे रहा है वो हमको। तो इसी के लिए अभी ये देखते हैं, अभी ये वेरियस एग्जाम्पल्स इस चार्ट में मैंने इंक्लूड किए हैं। अभी ये देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कितने फॉर्म में कन्वर्जन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल यहां से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कैसे होगा, फैन के जरिए, ठीक है। या फिर इंजिन जो होता है, अलग अलग काइंड के जो इंजिन होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी दर्शाते हैं हमारे। तो फैन से इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन किसमें हो गया, मैकेनिकल में हो गया। फिर मैकेनिकल एनर्जी का रिकन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे करना है, कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है कि जो रोटेट होने के बाद में, मतलब जिसको हम रोटेट अगर करते हैं आर्टिफिशियली बाहर से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होता है, ये देखिए इलेक्ट्रिकल लाइट में, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप का यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिकल में, तो हम यूजिंग सोलर सेल। तो सोलर सेल या फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, उससे हम क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी कलेक्ट करके उससे सेल जो है वो चार्ज करते हैं, या फिर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन डायरेक्टली कर देते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर आप लगाते हैं घर में, मतलब ठंडी के दिनों में, विंटर के डेज में आप हीटर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर भी एक एनर्जी कन्वर्टर ही हो गया। फिर हीट एनर्जी को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में, विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल। तो थर्मोकपल एक डिवाइस है कि दो बायोमेटल से बना होता है, बायोमेटल एक स्ट्रिप से बना होता है, दो मेटल्स मिलके वो बनाया जाता है। तो उसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जिससे वो हीट एनर्जी का कन्वर्जन जो है वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी में कर देता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी का साउंड में कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर से कन्वर्जन होगा। फिर साउंड एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में कैसे करेंगे, माइक्रोफोन, मतलब आपको जो माइक होता है तो वो साउंड एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में कर देगा। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगेन केमिकल एनर्जी में कैसे करना है कन्वर्जन, सेकेंडरी सेल से, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बैटरी चार्ज होती है, तो बैटरी बैटरी यूज करके हम उसका कन्वर्जन करते हैं केमिकल एनर्जी में। फिर प्राइमरी सेल, मतलब जो सिंपल लीड एसिड बैटरी होती है, तो उससे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर सकते हैं। तो ऐसे वेरियस एग्जांपल्स हैं कि कैसे एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अभी दिवाली क्रैकर का ही ले लो, कि दिवाली क्रैकर में क्या था, उसके अंदर वो बारूद भरा होता है, वो जो केमिकल होता है वो केमिकल एनर्जी का एक फॉर्म हुआ। तो उसको जैसे ही आप लाइट अप करते हैं, उसको जैसे ही आप जलाते हैं, तो क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है लाइट, हीट और साउंड एनर्जी में, तीन इसमें वो बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। और आप आजू बाजू देखिए, मतलब आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में आप देखा कीजिए कि कैसे एक फॉर्म जो है वो दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो खोजिए, साइंस है, आपको बहुत मजा आएगा ऐसे कुछ आप अगर खोजने की कोशिश करेंगे तो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में जब मिलेंगे तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो तब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।